जय माता दी। दोस्तों माय न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि नवरात्र चल रहा है और नवरात्र के समय माता जी का भव्य पंडाल हम लोग के यहाँ बैठता है, तो उसी के जुगाड़ के लिए हम लोग टेंट लगाने के लिए, धूप से बचने के लिए हम लोग जा रहे हैं टेंट लाने के लिए। और ये काफी नेक्स्ट लेवल की वीडियो होने वाली है। आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काम करते करते रात हो गई है। हम लोग अत्यधिक काम रात को ही करते हैं क्योंकि रात में सारे बंदे उपलब्ध होते हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो सामने का रास्ता काफी अद्भुत यार लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग उड़ रहे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लाल कपड़ा लटका है ये खतरे के निशान है, ताकि कोई भी इस लाल खतरे के निशान को पार नहीं करेगा और एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना से देर भली। तो दोस्तों सारा सामान हो चुका है, माता जी का जो भी भव्य पंडाल बैठने वाला है, सब टेंट वेंट का जो भी पर्दी पर्दा होता है, ये अल्ली बल्ली सीढ़ी वगैरह सब कुछ हो चुका है। बस अब जाना है, लगाना है। So guys, ये सब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जितना भी सब गाड़ा गया है इसी जगह माता जी बैठेंगी। और देखने में तो काफी कम जगह लग रहा है, लेकिन जब पूरा टेंट लग जाएगा माता जी बैठ जाएंगे तो देखने में अद्भुत नजारा लगेगा। नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे मूर्ति बैठती है। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पानी छिड़कने वाला कार्य फिनिश हो चुका है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पंडाल लगाने में कितनी मेहनत होती है, आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आज रहा ये छोटा सा पंडाल ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों ये अधूरा पंडाल ब्लॉग वीडियो है,
और इसका पूरा वीडियो मैं कल बनाऊंगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी माता रानी कल यहाँ पे पधारने वाली है अपने पावन चरणों के साथ। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी अपडेट रहेगा आप लोगों के पास जरूर पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए और माता रानी की कृपा आप लोगों को बरसेगा। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग वीडियो समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।